देखो यहाँ पे मक्खी मार रहे हैं लोग और हम भी मक्खी मार रहे हैं भूखे प्यासे। साल से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, 5 साल कंप्लीट कर रहा हूँ लगभग, लेकिन ऐसा सिचुएशन में कभी नहीं फंसा था। बाहर आ गया बैंकॉक में मेरे आते ही। एक्चुअली जब मैं जा रहा था तो वहाँ एक लड़की थी खड़ी और वो थोड़ा बोल्ड ड्रेस पहनी हुई थी। बाकी सारे ऑफिसर बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने पूछा फॉर्म फिल करने में, तो वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ आया थाईलैंड में आपका स्वागत है। भाई ये देखो मेरी बैग की क्या हालत कर दी है। यहाँ पर चलती है शटल बस जो कि मुझे बस स्टैंड तक छोड़ेगी। भाई आज किस्मत अच्छी नहीं है, इकमाई बस स्टेशन पे तो मैं आ गया हूँ इकमाई पे, लेकिन यहाँ जो लास्ट बस खुलती है पटाया के लिए वो निकल चुकी है रात में 9 बजे और मैं 9:30 तक पहुँचा, आधे घंटे लेट हो गया। बारिश भी होने लगी, देखो किस्मत ख़राब है। और मैं होटल बुक किया हुआ हूँ वहाँ पर, मेरे पास इंटरनेट भी नहीं है, मैंने सिम कार्ड भी नहीं लिया, यहाँ वाईफाई भी नहीं है जिससे कि मैं कनेक्ट करके जो है दूसरा होटल बुक कर सकूँ। हालांकि सामने मुझे दिखा यहाँ पर कुछ होटल्स, तो बारिश छूटती है फिर मैं जाकर जो है बाहर चेक करता हूँ। फिलहाल अब मुझे आज रात को यहीं पर रुकना पड़ेगा, अगर मुझे पटाया के लिए निकलना है तो कल मैं शाम को निकलूँगा फिर, या फिर कल सुबह में ही निकल जाऊँगा, देखता हूँ क्या सीन है। लेकिन आज का यात्रा थोड़ा सा हेक्टिक हो गया यार, बहुत आज की जर्नी उतनी अच्छी नहीं रही। एयरपोर्ट पर जो है थाईलैंड में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया वीज़ा ऑन अराइवल लेने में, क्योंकि कैश नहीं लेकर आया था, फिर मेरा बैगेज नहीं आया लास्ट में आया, वो सब चक्कर में डेफिनेटली मेरा आधा पौने घंटा एक्स्ट्रा गया और उसी के चक्कर में ये हुआ। फ्लाइट भी आधा घंटा लेट हो गई थी, तो नॉट ए गुड जर्नी, बट मैं थाईलैंड पहुंच चुका हूं, बारिश हो रही है तो भाई फ़िलहाल सीन ये है कि 10:30 बज गया है, 1 घंटा से रुका हुआ हूँ यहाँ पर, बारिश छूटी नहीं गई है। झंडू बाम जैसा बस स्टैंड है और 9 बजे के बाद बस नहीं चलती है यार, सुबह 6 बजे पटाया के लिए बस चलती है। सोच नहीं सकता था कि बैंकॉक जैसे शहर में ये हाल होगा, तो कम से कम जैसा शहर है यार, कम से कम हमेशा कुछ ना कुछ तो चलनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट रात के 11-12 बजे तक तो इंटरसिटी बसेस चलनी चाहिए यार। ऐसा तो यार इंडिया में छोटा छोटा मतलब कहीं भी जगह पर आप चले जाओ, किसी भी स्टेट के किसी भी कैपिटल में आप चले जाओ बसेस चलती है। खैर छोड़ो, और यार ये देखो बारिश भी, और मेरे पास सिम कार्ड भी नहीं है, यहाँ पर वाईफाई तो है ही नहीं, तो मैं ना होटल कैंसिल कर सकता हूँ, ना कैब बुक कर सकता हूँ, ना नज़दीक का होटल देख सकता हूँ इंटरनेट के बिना, लगता है ज़िंदगी थम सी गई है। और अगर कुछ आसपास में पूछ कर पता भी करूँ कि रात में रुक जाऊँ मैं, क्योंकि सुबह 6 बजे बस है पटाया के लिए, तो बारिश तो छूट जाए कम से कम, ठीक है। फिर मैंने टैक्सी वाले से पूछा कि आसपास का होटल का रेट बताओ कितना है। यहाँ पे आप देखो ये थोड़ा सा हाईफाई एरिया है, ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, और ऑफलाइन गूगल मैप जो जितना भी मैप मुझे बताया होटल सभी लग्जरी होटल का मुझे दिखाया, हालांकि प्राइस नहीं दिखाया, बट उससे पता चल गया, नाम से पता चल गया कि काफ़ी एक्सपेंसिव होटल होगा, तो उतना स्पेंड करके यहाँ पर रुकना भी सही नहीं है। अब मैं आसपास जाकर वॉक भी नहीं कर सकता, होटल भी खोज नहीं सकता कुछ सस्ता वाला, एक ही उपाय है कि सुबह मैं यहाँ पर 6 बजे तक रुकूँ, बस लूँ, और ऐसे ही कल रात कम सोया था, आज दिन भर ट्रैवल किया हूँ और सोना ठीक, मैं सोचा था कल ऑफिस करूँगा तो वो तो नहीं होने वाला है। दूसरा उपाय ये है कि मैं टैक्सी निकल के पटाया चले जाऊँ और वहाँ पर जाकर सोऊँ, तो अगर मैं ये करता हूँ तो समझो मेरा काफ़ी जो है ट्रिप एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन अब मुझे लगता है यही करना चाहिए। लेकिन यार मतलब थाईलैंड का एक्सपीरियंस पता नहीं बहुत लोग कहते हैं कि बुरे तरीके से शुरू होता है, मेरे लिए भी बहुत बुरे तरीके से शुरू हुआ, बहुत बुरा नहीं कहूँ लेकिन ऐसे सिचुएशन में मैं कभी नहीं फंसा हूँ। पिछले बहुत दिन से मैं 5 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं 5 साल कंप्लीट कर रहा हूँ और ये मेरा 12वां कंट्री है, बहुत सारे सिटी में गया हूँ, पिछले 1.5 साल से इंडिया में घूम ही रहा हूँ लगभग, लेकिन ऐसा सिचुएशन में कभी नहीं फंसा था। कम से कम अब क्या करूँ समझ नहीं आता है, ऐसे लोकेशन पर फंसा हूँ बिल्कुल, मतलब फर्स्ट टाइम सिटी में हूँ इस जगह पे, कुछ भी आइडिया नहीं है कहाँ है क्या है नहीं है। बारिश नहीं होती तो कम से कम मैं 15 से 10 से 15 मिनट में सब कुछ पता करके
सब कुछ कम से कम इतना तो पता चलता है कौन से होटल लोकेशन में जाना है, कहाँ होटल लेना है, कितनी टैक्सी देना है, सारा काम होता। लेकिन ये बारिश ना ऐसे समय में हुआ है कि जब दुकानें सिटी बंद होने लगती है 9-10 बजे के बाद, अब लगभग 10:30 हो चुका है, अब ये और बढ़ता ही जा रहा है, तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब मैं कहूँ तो एक तरह से यहाँ पर फंस चुका हूँ। अब शायद वहाँ से निकलने के लिए मुझे पैसे कुछ खर्च करने पड़ेंगे और टैक्सी करने पड़ेगी, लेकिन अब साला टैक्सी वाला भी आना कम हो गया इधर, आगे पहले 2-3 रुका हुआ था वो भी नहीं आ रहा है, और मैं सिर्फ सुबह एक बर्गर और एक कोल्ड कॉफ़ी खा के निकला हूँ सुबह में बस। एयरपोर्ट से जब निकला तो उसमें भूख लगी नहीं थी, और फिर आते आते हर जगह लेट होते होते पूरा लेट हो गया। देखो यहाँ पे मक्खी मार रहे हैं लोग और हम भी मक्खी मार रहे हैं भूखे प्यासे। वेरी बैड बिगिनिंग गाइस। दोस्तों जो बहुत ब्लॉगिंग कर रहे हो आप लोग आजकल, यार इतना ब्लॉग बनाए हो, पटाया बैंकॉक से पटाया, बैंकॉक से पटाया, ये बस चलती है, वो बस चलती है, यहाँ से टिकट मिलती है, यार ये तो बता दिया करना है ना कम से कम कि कितने बजे रात तक मिलती है। या हमेशा सब कंफर्टेबल टाइम में आते हैं तो अपने हिसाब से आप लोग बता देते हो यहाँ यहाँ से इतना बजे इतना, ये तो बता दो लास्ट टाइम कब है। देखो नहीं तो मैं नहीं फंसा होता ना। तो भाई फाइनली सीन ये है कि मैंने टैक्सी कर लिया है और इनको मैं 1500 रुपये में मनाया हूँ। 1600 बोला था, 1500 में मनाया, लेकिन फिर बोला कि रोड का जो टॉल होगा उसमें 50-50 करना पड़ेगा, तो 1550 में मतलब माना है ये मुझे होटल तक छोड़ देगा, और कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, तो लगभग 12:30-1 बजे तक मैं पहुँचूँगा। लेकिन कम से कम इतना तो है कि मैं पहुँच कर रेस्ट ले पाऊँगा। थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया, लेकिन देखिए माहौल कैसा है यार, बारिश हो रही है एकदम पूरे, देखो ऐसे माहौल में एकदम पूरा सारा दिन का थका हुआ, मेरी हालत ख़राब, भूखे प्यासे, और पहुँचने के बाद शायद मुझे कुछ खाना मिलेगा कि नहीं पता नहीं। ये देखो भाई बाढ़ आ गया। बाढ़ आ गया बैंकॉक में मेरे आते ही। अब पता नहीं यार, मैं कभी सोचा पटाया चले जाता हूँ, कभी अब सोच रहा हूँ कि इधर ही आ जाता हूँ, ऐसे पानी में कैसे तैर के जाऊंगा समझ नहीं आ रहा है। वैसे पटाया जाना जरूरी तो है नहीं, वही मैं सोचा चला जाता तो उधर से घूमते फिरते हुए आता तो मुझे टेंशन नहीं होता फिर एक दिन में जाके आना, इसलिए सोचा आज ट्रैवल कर रहा हूँ तो आज ही ट्रैवल कर लेता हूँ। अरे यार ये तो गजब की बार है भाई, अब क्या करूँ समझ नहीं आता। टैक्सी वाले भाई सर आपको जो है समझ में नहीं आ रहा इंग्लिश पूरा, उनको बोला कि इधर ही कोई होटल ले चलो तो बोलता नहीं उधर ही चलो पटाया ही चलो, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, और रास्ते की ऐसी हालत हो चुकी है कि पता नहीं कब पहुंचेंगे कैसे पहुंचेंगे। मैं सोचा आज का ट्रैवल आज ही निपटाते हैं, रेस्ट करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद पटाया एक्सप्लोर करेंगे 2 दिन, लास्ट में बैंकॉक आके घूम के निकल जाएंगे सिंपल सा, उसके चक्कर में मैं ये रिस्क लेने के तैयार हो गया, लेकिन अब वो भी गड़बड़ लग रहा है। ओके इफ 2 किलोमीटर देन नो प्रॉब्लम, वी कैन रीच पटाया सून, देन इफ नो वाटर इन पटाया देन इट्स ओके, लेट्स गो टू पटाया। ओके तो हम लोग जो है गूगल ट्रांसलेट से बात कर रहे हैं, वो थाई में बोलते हैं मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, बोले कि 2 किलोमीटर में एक्सप्रेस है उसके बाद पानी नहीं होगा, तो फिर हम लोग जो है जल्दी से पहुंच जाएंगे, और पटाया में वाटर फ्लो नहीं है तो दिक्कत नहीं है यार, गजब का लेकिन मुसीबत है पड़ा आज तो। भाई हम लोग एक्सप्रेस वे पर आ गए हैं और यहाँ से अभी भी 143 किलोमीटर है, 2.5 घंटे का टाइम दिखा रहा है, बट यहाँ पे बारिश मतलब बाढ़ नहीं है कम से कम, और बारिश भी थोड़ी कम हो गई है, तो थोड़ा सा होपफुल फील कर रहा हूँ यार। इधर देखो कैसी हालत है, बारिश ही नहीं हुई, बट हाईवे बहुत ही जबरदस्त है भाई, बहुत ही जबरदस्त।
गाइस, रात के 1:30 बज रहे हैं और 15-20 मिनट पहले जो है मुझे टैक्सी ने ड्रॉप किया मेरे डेस्टिनेशन पे पटाया में। ये बीच साइड है, इस तरफ बीच है और मैं खाने की रेस्टोरेंट खोज रहा हूँ। सब कुछ बंद है, यहाँ पर है कुछ रेस्टोरेंट लेकिन सब बंद हो चुका है। यहाँ 7-Eleven सुपरमार्केट है जो कि खुला हुआ है अभी, तो मैं वहाँ जाकर कुछ खाना पीना का जुगाड़ करता हूँ। भाई साहब पी के लुढ़क गए हैं नीचे, देखो तो हालत खराब है मेरी। कॉफी मिल्क है ये, मिल्क शेक। मैं ये ले रहा हूँ, ये शायद रेडी टू ईट होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, दिस इज रेडी टू ईट राइट? हाँ यस, थैंक यू। तो भाई खाने का तो जुगाड़ हो गया। 66 baht में मैंने लिया है वही राइस, ग्रिल चिकन और मिल्क शेक। गाइस रूम आ गए हैं हम और ये रूम है। इस होटल का नाम है जी बाय जिंक। काफी अच्छा खासा स्पेस है, काफी बड़ा है और टीवी है यहाँ पर, फ्रिज है, ये बाथरूम है, देखो अच्छा नीट एंड क्लीन है एकदम। इसका बहुत अच्छा रिव्यू था booking.com में। ये शॉवर रूम है, यहाँ विंडो है, एसी है और यहाँ पर मैं बैठकर खाऊंगा। जब मैं खाना लेकर आ रहा था तो मेन रोड से जो टर्निंग है वहां से लगभग 300 मीटर ये रूम है, वहां पर लिखा हुआ है जी बाय जिंक। एक्चुअली जब मैं जा रहा था तो वहां एक लड़की थी खड़ी और वो थोड़ा बोल्ड ड्रेस पहनी हुई थी एकदम, बहुत ही ट्रांसपेरेंट था। तो उसने मुझे आवाज दी तो मैं रुका नहीं वहां पर, मैं नो थैंक्स बोलकर आगे बढ़ गया। मैं बोला आई एम हंगरी, आई एम गोइंग टू ईट। मुझे लगा कि शायद वो कुछ और है जो कि आप समझ गए होंगे, तो मैं रुका नहीं। और जब मैं वापस आ रहा था तो फिर वो वहीं पर थी, वो बार बार खड़ी होती थी, बैठती थी। फिर उसने मुझे बोला आई एम सॉरी कैन यू अंडरस्टैंड मी, तो मैंने बोला यस। बोला कि आई एम गोइंग टू फॉर दिस टू आई वॉन्ट टू गो टू दिस होटल, कैन यू ड्रॉप मी देयर, एंड आई एम स्केयर टू गो बिकॉज देयर इज अ डॉग देयर ऑन द रोड। मुझे बिलीव नहीं हुआ, फिर मुझे लगा कि ओके आई एम गोइंग ऑन द सेम वे एंड आई कैन ड्रॉप यू, यू कैन कम विथ मी। सो हम दोनों वॉक करते हुए आए। सी वॉज हाफ फिलिपिनो एंड हाफ थाई आई थिंक, और बोली कि सी लिव्स इन स्वीडन। तो कुछ मुझे अजीब सा लगा, मतलब रात के लगभग 1:45 बज रहे हैं, अकेली लड़की और इतना हैपनिंग प्लेस है ये जगह पे जहाँ पे मेरे बहुत हैपनिंग है, बहुत क्राउडेड रहता है। और पीछे थोड़ा सा आधा किलोमीटर अंदर आने के बाद रेस्टोरेंट सब है खुला हुआ, लेकिन इतनी रात में एक अकेली लड़की वहां पर खड़ी थी और इस तरह से। तो शायद उसका ड्रेस देखकर भी बहुत लोग उसको नहीं रोक रहे होंगे, ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा। बट चलो आज गजब गजब इंसिडेंट हुआ, मुझे पानी तक खरीदने का टाइम नहीं मिला और यहाँ पे किसी का हेल्प हो गया। मैंने बोला जब मैं यहाँ पहुंचा तो कि मैं भी इसी में रहता हूँ, तो फिर वो गई अपना रूम, तब मैं खाना खा लेता हूँ। तो गाइस ब्लॉग को यहाँ खत्म करते हैं। इस रूम को का मैं पे कर रहा हूँ 850, 393 baht 850, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, हालत खराब है मेरी, मैं खाना खाता हूँ, शॉवर लेता हूँ और फिर सोता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में और पटाया का और भी कुछ आपको हम बहुत कुछ दिखाएंगे। तो गाइस गाइस गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर। यहाँ ऊपर में ऐश्वर्या राय भी है, इंडियन मुजरा।